जनपद बलरामपुर में आदर्श नगर पालिका के अध्यक्ष धीरू सिंह उर्फ दानवीर नाम से जाने जाते हैं। किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष का ये कर्तव्य नहीं है कि वह किसी एक पार्टी का बनकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही कुछ नजर सदर आदर्श नगर पालिका में देखने को मिला। रात में 8 बजे नगर पालिका की गाड़ियों से अन्य पार्टियों के बैनर को उतारा जा रहा था। वहीं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष शीतल प्रसाद मिश्रा जी ने कहा कि ये केवल नगर पालिका ही दबंगई है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। उतरना चाहिए तो सभी पार्टियों का, ये नहीं कि केवल बीजेपी का छोड़कर और बाकी अन्य पार्टियों का झंडा बैनर उतारा जा रहा है। और शीतला प्रसाद मिश्रा जी ने ये भी कहा कि इन्हें काली थान तिराहे पर लगे खंबे में रोशनी नहीं है, वह नहीं दिखाई पड़ती, इन्हें सिर्फ दिखता है तो बीजेपी के बैनर को छोड़कर और किसी पार्टी का बैनर छूटा हुआ, और वह बड़ी तीव्र से उनके कार्यकर्ताओं को दिखाई पड़ती है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सदर आदर्श नगर पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाए। खान के आप रहने वाले हो, नगर पालिका के बदमाशी से लाइट नहीं जल रहा है। नगर पालिका की बदमाशी से लाइट नहीं जल रहा है। ये कौन सा स्थान है अध्यक्ष जी? काली थान तिराहा, जनपद बलरामपुर में। काली थान माने काली जी का थान है, वहाँ पर विद्युत नहीं है और कहने को नगर पालिका, आदर्श नगर पालिका कहलाती है। कौन है यहाँ के अध्यक्ष? धीरू सिंह। तो उनका क्या कहना है? वो अपना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं दे रहे। मने माँ कालेश्वरी के स्थान पर बत्ती नहीं है, उसका ध्यान उन्हें नहीं है। तो इसके विषय में आपका क्या कहना है आदित्य जी? यही है कि उनके विषय में ही कहना है कि उनको कहिए कि नगर पालिका चेयरमैन बने हैं तो शहर का विकास होना जरूरी। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? शीतला प्रसाद मिश्रा, ग्रामीण पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष बलरामपुर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष बलरामपुर। ये किस स्थान पे हम खड़े हैं सर? काली थान तिराहे पे। काली थान तिराहे पे। तो क्या काली थान तिराहे पे बत्ती नहीं जल रही है, ये सच्चाई है? देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।